कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारे जा रही कच्चे केले की सब्ज़ी। इसके लिए सबसे पहले हम इसको काट कर छिल कर काट लेंगे। इस तरह से हम लोग छीन लेते हैं। जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी होती है, बहुत ही आसान है बनाना। इस तरह से केले के पहले छीलेंगे। आप ले सकते हैं, छील दी हूँ। अब इसको मैं धो लेती हूँ साफ पानी से। अब धो दी हूँ इसको। इस तरह से पीस काटेंगे इस पहले से करके। ऐसे से पीस काटेंगे इसको, देखने में अच्छा लगता है इस तरह से। इसे पीस सारे काट लेंगे। आप देख सकते हैं सारा पीस काट ली हूँ केले का। ये देख सकते हैं इस तरह से हम सारे पीस काट लेंगे। अब सब्जी आने के लिए प्याज ली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज़पत्ता, लौंग इलायची, हरा मिर्चा, जीरा, गोटा जीरा। मैं प्याज को काट लेती हूँ तो बताती हूँ। प्याज मैं काट ली हूँ। अब मैं मसाला रेडी करती हूँ। उसके लिए एक चम्मच जीरा पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच से कम मिर्ची, सूखी मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, मैं गरम मसाला इसी में डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला है इसी में डाल देगा। आप चाहे तो सब्जी बनाते समय ऊपर से आप डाल दीजिएगा। एक कढ़ाई ली हूँ और उसमें थोड़ा सा तेल डालूँगी। तेल गर्म हो गया है। अब इसमें कच्चे केले को पहले फ्राई कर लेते हैं। गोल्डन कलर तक फ्राई करेंगे कच्चे केले को। और इसको उसमें नमक डाल दूंगी, इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि अच्छे से पक जाए और इसके अंदर तक नमक जाए चला जाए। इसको थोड़ा देर चलाते रहेंगे ताकि जले नहीं, अच्छे से बांक लगा दें। आप देख सकते हैं केला बहुत अच्छे कलर आ गया है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ। देख सकते हैं केला कितना अच्छा फ्राई हुआ है, एक भी नहीं जला है, अच्छा से पक गया ये। अब मैं थोड़ा और तेल डालूँगी इसमें। थोड़ा सा गोटा जीरा डालूंगी, ये चटकने लगा है डालते ही। तेज़पत्ता, दो लौंग, दो इलायची, हरी मिर्च और प्याज डालूंगी। इसको भी गोल्डन फ्राई तक भूनेंगे इसको भी। आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें मसाला डाल देती हूँ। ये जो मसाला रेडी की थी इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा पानी डालूंगी पकने के लिए मसाला। थोड़ा सा डाल देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। उससे पहले भी मैं केला में नमक डाली थी, इसे थोड़ा कम डालूंगी इसमें नमक। अब ये लहसुन आदि का पेस्ट डालती हूँ। अब अच्छे से इसको मसाले को पकने देंगे। थोड़ा थोड़ा दम चलाते रहूँगी इसको।
इस तरह से मसाला भुनेंगे हम लोग, इस तरह से पीछे से अच्छे से मसाला पक जाता है। देख रहे कितना अच्छा कलर आ गया है मसाले का। आप एक बार बनाइएगा जरूर, ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है। इस तरह से दबा दबा कर भूनते रहेंगे ताकि जो प्याज है बारीक हो जाए और अच्छा से ग्रेवी बन जाए इसका। देख सकते कितना अच्छा से बारीक हुआ है ये प्याज। और मसाला भुना गया अच्छा से, और इसमें कच्चा केला डाल दे रही जो भून के रखी, अभी कच्चा केला डाल दे रही हूँ। अब इसको अच्छे से चलाते रहेंगे एक मिनट तक ताकि इसके अंदर केले के अंदर अच्छे से मसाला चला जाए। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ग्रेवी के लिए। थोड़ा सा और पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालती हूँ। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने से। अब इसको एक दो मिनट तक ढक कर रख देती हूँ ताकि अच्छा से इसके अंदर केले के अंदर ग्रेवी मसाला जो है अंदर जा चला जाए। इसको ढक देती हूँ दो मिनट के लिए। मैं खोल के देख रही हूँ ये कितना अच्छा से पक रहा है, अच्छा से पक भी गया है। फिर अच्छों को देखेंगे इसे, देख सकते केला भी अच्छा से पक गया ये। ये सब्जी बन गया, इसको चूल्हा बंद कर दे रही हूँ। देख सकते हैं अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।